नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहारी डॉट न्यूज़। मैं लिपिका प्रीत आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं शिक्षा जगत से जुड़े हुए बहुत ही प्रख्यात शिक्षक अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी, हम आपका बिहारी डॉट न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से स्वागत करते हैं। आप सबसे पहले अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताएं। जी, हमारा नाम अजीत सिंह है। मैं पिछले 10 वर्षों से पटना वुमेंस कॉलेज में एक सामान्य शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ और मैं बक्सर के एक छोटे से ग्रामीण परिवार से बिलोंग करता हूँ। इसके साथ साथ मैंने कंप्यूटर के ऊपर अनेकों पुस्तकें लिखी हैं जिनका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। और हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी का एक लंबा तजुर्बा है। 20 वर्षों से मैं पटना यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजों में एडहॉक के तौर पे कंप्यूटर विज्ञान पढ़ाता हूँ। अजीत सिंह जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बिहार के बहुत ही मशहूर और जाने माने कॉलेज पटना वुमेंस कॉलेज में 10 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को यह बात बताइए कि शिक्षा के प्रति आपका झुकाव कैसे हुआ? देखिए, शिक्षा के प्रति हमारा झुकाव बहुत पहले से ही था। सन 1995 में मैंने कंप्यूटर की पढ़ाई की और पढ़ते वक्त ही मैं सोचा था कि बिहार में कंप्यूटर के ऊपर काफ़ी काम करूंगा, लोगों को बहुत शिक्षित करूंगा। और इसी क्रम में मैंने करीब करीब 20 साल से मैंने कंप्यूटर पढ़ाई और 20 साल पढ़ाने के बाद मुझे लगा कि लोगों को अब हमारे ज्ञान की ज़रूरत है, तो मैंने बहुत ढेर सारी पुस्तकों को भी लिखा। सर, आप बता रहे हैं कि आपने बहुत सारी पुस्तकों को लिखा, तो इन पुस्तकों से रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपके प्रोफाइल में भी देखा है कि आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स रही हैं, तो इन अचीवमेंट्स के बारे में आपका जो अपना पर्सनल लेवल पे आपने कैसे उसके बारे में शुरुआत की, उसके बारे में कुछ आप अपने हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, बेसिकली मैं ये देखता था कि बिहार में जो विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र से आते थे वो विदेशी लेखकों की किताबों को पढ़ नहीं पाते थे। मोटी मोटी किताबें हुआ करती थी, भाषा भी उनकी बड़ी जटिल हुआ करती थी। किताब तो वो खरीद लेते थे मगर उनके साथ दिक्कत ये था कि वो उन किताबों को पूरे तरीके से समझ नहीं पाते थे। डिक्शनरी रख कर उनको पढ़ना पड़ता था। इन्हीं सारी चीज़ों को सोचते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना कंप्यूटर की भाषा को बेहद सरल किया जाए ताकि एक ग्रामीण तबके से भी जो छात्र इंजीनियरिंग करने आ रहे हैं, जो छात्र बीसीए और एमसीए करने आ रहे हैं, वो छात्र कंप्यूटर की तकनीक को आसान भाषा में एक भव्य दृश्य शैली के साथ समझ सके। और हमने अपने पुस्तकों में पूरा भरपूर ध्यान दिया है, भरपूर जोर दिया है कि चीज़ों को बेहद सरल बनाकर प्रस्तुत किया जाए। सर, आप अपनी पुस्तकों आपकी पुस्तकें जो हैं वो ऑनलाइन भी, ऑनलाइन जो साइट है अमेज़न, उस पर बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं, तो आप उन पुस्तकों के बारे में दर्शकों को कुछ बताएं कि दर्शक उस पुस्तक से कैसे उन पुस्तकों का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी पुस्तकें, सारी की सारी पुस्तकें, अभी तक मैंने 11 पुस्तक लिखी हैं और ये 11 पुस्तक अमेजन की सिस्टर कंसर्न कंपनी किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग के द्वारा रिव्यू की गई है। रिव्यू करने के बाद फाइनल अप्रूवल मिला है किंडल से और अप्रूवल मिलने के बाद किंडल के द्वारा पब्लिश किए हुए बुक को अमेजन मार्केटिंग कर रही है। मुझे इस बात पे पूरा गर्व है कि हमारी जो पुस्तकें हैं उसकी कंटेंट जो है वो विश्व स्तरीय है, क्योंकि हमारी कंटेंट को किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग रिव्यू की है। सर, आपकी अमेज़न पे जो इतनी सारी पुस्तकें जो अमेज़न पे दिखाया जा रहा है इतनी सारी पुस्तकों के बारे में, तो ये पुस्तकों में खास बात सर आपने बताया कि विश्व स्तरीय इनको, मतलब कि सराहा गया है, रिव्यू किया गया है, तो इन पुस्तकों में अभी तक की सबसे ज़्यादा आपकी फेमस बुक कौन सी रही है और उन बुक्स के बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। अमेजन जो है वो वीकली रिपोर्ट भेजता है और वीकली रिपोर्ट के ऊपर अब तक का मेरा अनुभव है, पिछले 6 महीनों में सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली किताब है वो ब्राज़ील से बिक रही है और वो किताब है क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ साथ कुछ किताब हम देख रहे हैं अफ्रीकन कंट्री से भी निकल रही है। पैरेलल कंप्यूटिंग की किताब जो है वो अफ्रीकन कंट्री से काफ़ी बिक रही है। ऑन एवरेज एक सप्ताह में 7 या 8 किताबें हमारी अफ्रीकन कंट्री से, नाइजीरिया से, छोटे छोटे देशों से निकल रही है। बेहद अच्छा रिस्पॉन्स है और मैं इसे सौभाग्य मानता हूँ कि हमारी जो किस पुस्तकें हैं उसे अमेजन विश्व के कोने कोने तक पहुँचा रहा है, ना केवल भारत, ना केवल बिहार, ना केवल पटना, बल्कि हमारी किताबें
अमेजन की 9 की 9 टेरिटरी में उपलब्ध है। सर, बिहारी डॉट न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से और पूरे बिहार के तरफ से आपको इस बड़े अचीवमेंट से, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी पुस्तकें पूरी दुनिया भर में, पूरे विश्व भर में लोगों के द्वारा पसंद की जा रही है, तो उसके लिए सर बिहारी डॉट न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और सर, हमने ये भी आपके प्रोफाइल में देखा, आपके बारे में हमको जानने का इतना अवसर मिला कि हमने देखा है कि सर आपको ऑनलाइन अवार्ड, ऑनलाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में कुछ आपने जिक्र किया है, तो उस वो ऑनलाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है सर, वो आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। ऑनलाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है जिसकी एक यूनिट मद्रास में भी है, और ये कंपनी समाज के हर वर्ग में अच्छे कार्य के लिए अवार्ड प्रदान करती है। तो मैंने 11 पुस्तकें लिखी थी और हमारा अपना अनुभव भी कहता था कि अभी तक कोई लेखक कंप्यूटर विज्ञान की इतनी सारी एकेडमिक बुक्स को पब्लिश नहीं किया है। तो मैंने ऑनलाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड पे अप्लाई किया और उन लोगों ने सहस्र इस चीज़ को स्वीकार किया। और मैं दर्शकों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारी ये अचीवमेंट लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और साथ साथ गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अंडर कंसिडरेशन चल रहा है, अंडर प्रोसेस चल रहा है। बिहार के तमाम लोगों को बहुत जल्द ये सूचना दूंगा, बहुत जल्द ये जानकारी दूंगा कि मुझे लिम्का बुक रिकॉर्ड और गिनीज बुक रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया। सर, एक बार फिर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी के इंसान के लिए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जैसा कि आपने बताया कि आपका लाइनअप किया हुआ है, तो उसके लिए सर आपको पहले से ही एडवांस में ही बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और आपने सर, आपकी मेहनत इस तरीके से रंग लाई है और कि आपका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है, ये बात पूरे बिहार को, इस बात के लिए पूरे बिहार को आप पे गर्व है। और आप, हमारी ये मनोकामना है कि आप जल्द ही पूरे बिहार में बिहारी पहचान के रूप में जाने जाएँ। और सर, आगे बढ़ते हुए हम, जैसे अभी हमारी युवा पीढ़ी क्या अभी की युवा पीढ़ी अपने जो अपना कैरियर उनके लिए सबसे पहले आता है, तो आप सर पटना वुमेन्स कॉलेज के एमसी कंप्यूटर विभाग के आप शिक्षक हैं, तो आप आज की युवा पीढ़ी को, आप क्या कंप्यूटर को कैरियर के तौर पर चुनने के लिए आप क्या बताना चाहेंगे, क्या उनको बताना चाहेंगे कि वो लोग कैसे डिसाइड करें कि कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके लिए अच्छा आगे फ्यूचर है, किस तरीके से उनके कैरियर के लिए कंप्यूटर लाभदायक है। देखिए, बेसिकली हमारा पूरा हिंदुस्तान, हमारा पूरा इंडिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ अग्रसर हो चुका है, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है स्टूडेंट के लिए। साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, आने वाला जो भविष्य है कंप्यूटर का, वो पूरा का पूरा डेटा साइंस के ऊपर आधारित है। हम तमाम छात्रों से ये आग्रह करना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे कि वो बेसिक कंप्यूटर के फील्ड में आएँ। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है डेटा साइंस के फील्ड में, डेटा एनालिस्ट के रूप में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप तमाम क्षेत्र देख लीजिए, चाहे वो ई कॉमर्स का क्षेत्र हो, चाहे वो डिजिटल जर्नलिज्म का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कॉमर्शियल क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कंप्यूटर का काफ़ी स्कोप है। और इन तमाम क्षेत्रों में खास करके मैं देख पा रहा हूँ कि आने वाला दिन हमारा डेटा साइंस का दिन होगा, और उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी अवसर आएंगे हिंदुस्तान में। तो दर्शकों, आप लोगों में से जो भी युवा कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग एक बार ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया, कंप्यूटर के क्षेत्र में कैरियर है। तो जो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि आजकल कंप्यूटर के ज़माने में लोग आजकल उतना ज़्यादा कैरियर को तवज्जो नहीं दिया जाता है, तो ये बात नहीं है। जैसा कि सर ने बताया कि कंप्यूटर्स के भी युग में आजकल, क्योंकि कंप्यूटर का ही युग हो गया है, तो आप लोग अपना कैरियर उसमें ही बना सकते हैं, क्योंकि सर भी खुद भी कंप्यूटर विभाग से ही जुड़े हुए हैं और लगातार सर 10 वर्षों से पटना वुमेन्स कॉलेज में शिक्षक भी रहे हैं।
सर, आप अपने जो आपका जो ऑनलाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है उससे ही रिलेटेड आपने कुछ आगे फ्यूचर प्लान किया होगा, तो उस फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए कुछ दर्शकों को। मैं दर्शकों को और खास करके बिहार वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड या किताब लिखना ये हमारी मकसद नहीं थी, ये हमारी अचीवमेंट नहीं थी। आज मुझे केवल और केवल सिर्फ इसी बात पे गर्व है कि मैं बिहार से हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बिहार से होकर कर रहा हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। और आने वाले दिनों में जैसे मैंने 11 पुस्तकें लिखी, मैं कोशिश करूँगा अपने खाली समय में और भी पुस्तकों को लेकर आऊँ। हमारी अगली पुस्तक बहुत जल्द आ रही है नेटवर्क सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी के ऊपर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिहारी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आप पूरे बिहार में अपना पूरे बिहार का नाम पूरी दुनिया भर में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा करके पूरे बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। पूरे बिहारी न्यूज़ की टीम, बिहारी डॉट न्यूज़ की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर, इसी तरीके से आपकी पुस्तकें लोगों को और फायदा देती रहे, यही हमारी कामना है। हमारे साथ सर लगातार दर्शक जुड़े हुए हैं, उनके कुछ सवाल भी हैं। तो एक श्वेता सिन्हा जी कह रही हैं कि मैं एक BCA स्टूडेंट हूँ, किस तरीके से वो आगे पढ़ाई करे कि वो ऑनलाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्वालिफाई कर सके। श्वेता जी, मैं तो आपको सलाह देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप BCA के बाद MCA अपना कंप्लीट करें, और MCA कंप्लीट करने के बाद आपको काफ़ी अवसर मिलेगा नए नए चीज़ों को सीखने का, नए नए विषयों को सीखने का। और इन तमाम चीज़ों के साथ आप बेशक एक अच्छी लेखक बन सकती हैं, बेशक एक अच्छी राइटर बन सकती हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकती हैं, ब्लॉग राइटिंग कर सकती हैं टेक्निकल कंप्यूटर के फील्ड के ऊपर। और धीरे धीरे ग्रेजुअली एक समय ऐसा आएगा कि आप एक अच्छा लेखिका बन सकती हैं कंप्यूटर विज्ञान की पुस्तकों का। सर, प्रियांक सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल है कि एक साधारण और बिहार बोर्ड से पढ़ाई करने वाला छात्र कंप्यूटर क्षेत्र से कैसे कैरियर अपना बना सकता है। जी प्रियांश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूँ और हमारा हाई स्कूल है सर गणेश दत्त पाटलिपुत्रा हाई स्कूल, एक सरकारी स्कूल का मैं छात्र रहा हूँ। हमारी इंटर और हमारी ग्रेजुएशन ये दोनों मगध यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हुई है। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता है, बिहार बोर्ड में पढ़ाई नहीं होता है। आपके पास पूरा पोटेंशियल है, आप बिल्कुल कंप्यूटर फील्ड में आए। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा लगन से मेहनत करें, आप बिल्कुल उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस मुकाम तक आज हम पहुंचे हैं। सर, हमारे साथ लगातार दर्शकगण जुड़े हुए हैं। ऋषिकांत प्रकाश जी का सवाल है कि मेरा इंटरमीडिएट हो चुका है और मैंने कंप्यूटर फील्ड चूज़ किया है, ग्रेजुएशन लिया, तो मेरा फ्यूचर स्कोप अच्छा हो सकता है क्या और मुझे क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने ग्रेजुएशन में पहले तो कोशिश कीजिए कहीं से बीटेक हो जाए तो अच्छी बात है। बीटेक नहीं भी होती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप BCA कोर्स कीजिए किसी अच्छे संस्थान से, पटना यूनिवर्सिटी में आइए, साथ साथ मगध यूनिवर्सिटी में आइए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है आपके पास, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है बिहार में। ये तमाम यूनिवर्सिटी में शिक्षा का स्तर काफ़ी बेहतर है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अपने अपना नामांकन कराइए और कंप्यूटर के फील्ड में आइए, आपका स्वागत करेंगे हम। सर, हमारे साथ गरिमा तिवारी जी हैं, ये पूछ रही हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन में फ्यूचर स्कोप क्या है। मोबाइल एप्लीकेशन आने वाला पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो जा रहा है हमारा स्टार्टअप की ओर, मोबाइल ऐप की ओर। तमाम लोग हर एप्लीकेशन को मोबाइल के ऊपर चाह रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप किसी अच्छे संस्थान से सबसे पहले एंड्रॉयड की पढ़ाई करें, और मोबाइल एप्लीकेशन में भरपूर स्कोप है, ये आपको आपकी ऊँचाइयों तक लेकर जा सकती है। तो दर्शकों, आपके सवालों के जवाब भी अजीत सिंह सर ने दिए अब, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि बिहारी डॉट न्यूज़ के लाइव सेशन से आप लोगों ने जुड़ करके अपनी अपने अपने सवालों के अपने सवालों का भी जवाब पाया अजीत सिंह सर के द्वारा। एक बार फिर से अजीत सिंह सर को हम लोग बधाई देते हैं कि उन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके, ऑनलाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अजीत सिंह सर, और थैंक यू सो मच बिहारी डॉट न्यूज़ की को
में आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बिहारी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम बिहारवासियों, तमाम देशवासियों को एक सामान्य शिक्षक होने के नाते हमारा प्रणाम।